नक्शी में ये नया ज्वेलरी आया अपने को डायमंड कॉम्बिनेशन के साथ। मोस्टली सतलड़ा मोस्टली मुस्लिम ट्रेडिशनल है, तो अभी काफ़ी साउथ इंडियन लोग भी प्रिफर करते हैं। सतलड़ा में अपने पास ये 4 लाइन्स का है, जिसमें नक्शी कॉम्बिनेशन आया है, डायमंड आया, रूबी, गोल्ड बॉल्स, एंड अगेन यू कैन सी साइड में पीकॉक्स आ चुका है। सो इट इज़ अगेन अ ट्रेडिशनल विथ फ्यूजन कॉम्बिनेशन। इसमें आप देख सकते हैं रूबीज का लुक भी काफ़ी अच्छा आ चुका है इसके अंदर, और ये बॉल्स भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। डायमंड का शाइन आप देख सकते हैं कितना क्लियर है, अगेन पीकॉक आया, फिर नीचे गोल्ड बॉल्स फ्लावर आ चुका है उसके अंदर। अब इसके इयररिंग्स हम देखते हैं, नक्शी में ये इयररिंग्स है, ऊपर पीकॉक आ चुका है, फिर नीचे 2 पीकॉक बेंड हो चुके, फिर बुट्टे का शेप अलग है अपने पास, वो ट्राइंगल में आ चुका है, बीच में सो अपने को डायमंड है, नीचे पर्ल्स का कॉम्बिनेशन आ चुका है। ये लॉन्ग हार है अपने पास, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें रूबी का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा आ चुका है। तो ये जितने भी आप चेंजेबल दिख रहे हैं, ये रूबी, एमरल्ड, चाहे तो इसमें दूसरे कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू सफ़ायर है, येलो सफ़ायर है, जितने मल्टीपल कलर्स चाहिए हम वेरिएशंस में पहन सकते हैं। आप इसका ये पार्ट देखिए, इसमें कैसा दिया है बोल दो तो, बीच में एक सॉलिटर जैसा दिया है और ऊपर ड्रॉप्स दिए गए, और बीच में ये लॉकेट डिटैचेबल है, आप इसको एज अ हारम पहन सकते हैं, सेपरेट लॉकेट पहन सकते हैं, फिर इसको वडियानम टाइप भी आप पहन सकते हैं। अब ये इयररिंग्स है, ये इयररिंग्स के अंदर कैसा दिया गया है बोले तो चांद बाली विद झुमका दिया गया है। हम चाहे तो इसको डिटैचेबल भी बना सकते हैं, ये फ्लावर के ऊपर ये झुमकी भी रख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ झुमकी के नीचे ये पर्ल रख सकते हैं, ऐसा भी हम पहन सकते हैं 2-3 टाइप्स में।